Thank you.
रसना पवित्र करो, सतगुरु जी की बख्शिश दोहराओ, प्यार ना फतेह बुलाओ, इक्के वारी कहते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का दूरों ने चल के गुरु जी की पावन हजूरी विच सारे जुड़ बैठे हाँ। अज वीक डे विच सोमवार सारे कम्मा कारा वाले हन, एक किरत प्रधान देश है, सबनों काम कार करना ही पैंदा है, सो सारे दिने ड्यूटियां करके कई ने रात नू ड्यूटी ते जाना है, जॉब करनी है, काम करना है, सवेरे भी कम्मां ते जाना है, पर फिर भी अपने बिजी शेड्यूल विचों समा कढ के सारे गुरु जी दे चरणां च हाजरी भर रहे हाँ। सो सतगुरु मेहर करन कुछ समा एकाग्र चित हो के बैठिए। कोई पता नहीं कोई गुरु जी का ऐसा वचन जेड़ा साढ़े हिरदे नूं टुंब जाए, जिदे करके मन की लिया जाए। ये जेड़ा सुनी दा ना भी मंत्र हुंदे ने, मंत्र जादू बड़ा सुनिया, जेड़ा बच्चा रोवे ना वह मास फर्ज समझदे आ अपना कंट्रोल रखे, क्योंकि सत्संग का समय बाकी दी संगत डिस्टर्ब ना होवे। आपां ये बहुत सुनिया है कि मंत्र हुंदे ने जंतर मंत्र, इदां दीआं गल्लां चल प्रचलित हन, पर साढ़े गुरु जी किसे जंतर मंत्र नूं नहीं मनदे। बस जदों गुरु जी नहीं मनदे ते असीं क्यों मनीए, आखो सतनाम, बस अगे कुछ नहीं। जदों गुरु साहब की गल आ गई, जदों गुरु साहब नहीं मनदे बस असीं नहीं मनदे, जो गुरु जी मनदे ने उहनूं मनांगे। साढ़े सतगुरु जी जंतर मंत्रां नूं नहीं मनदे, राम नाम जो जन जपै अन दिन सध जागै, अन दिन सध जागै तंत मंत्र ना जो ही, कोई तंत्र मंत्र उहदे नेड़े नहीं लग सकता, तित चाख ना लगता, नज़र भी नहीं लगती। जिहड़े कई अपने अंदर एक वहम पिया ना भी नज़र लग जाती है, माड़ी नज़र लग गई, बुरी नज़र लग गई, तो गुरु जी इत्थे भी कहिंदे आ भी कोई नज़रां नुज़रां भी नहीं लगदी। ते साडे वास्ते मंत्र की है, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। सतगुरु जी की अमृतमयी बाणी ही साडे लई मंत्र है। कहिंदे मंत्र पढ़ के फलाना बंदा फलाने नू कील लैंदा है, फलाने नू मंत्र नाल वस च कर लैंदा है। ते जिहड़े असीं गुरु जी दे सिख आ ना भाई, सानू ते साडे गुरु जी तो बिना होर कोई कील ही नहीं सकता, आखो सतनाम। भी साढ़े लिए तो गुरु जी की बाणी ही मंत्र रूप है, बस असी गुरु ते कील सकता, सानू होर नहीं कोई कील सकता। असी सतगुर तो बिना किसी होर दीयां गल्लां विच नहीं आ सकते। सतगुरु जी के बचन सुनते हाँ, समझते हाँ, जदों महाराज की बाणी पढ़ते हाँ, बस उहदे विच ही सानू आनंद आ।
और मैं बेनती कर रहा भी जदों हुण वेखो बाणी दा शब्द पढ़िया जांदा है सारी संगत रल के बोलती है एक वाइब्रेशन इदां दी बन जाती है। इस मंत्र ने पता नहीं किदे मन नूं कील लैणा है, बाणी ने कीलना हुंदा है। तो जदों मंत्र ने मन कील लिया तो कोई पता नहीं किहड़ा किहड़ा इत्थे कौडा राक्ष कह देंदे ने, राक्ष वैसे नहीं भील है, राक्षस नहीं है, भील एक बरादरी सी। जदों ये ओरिजिनल लोग सी जिहड़े भारत विच रहण वाले सी, जदों आरियन लोग आए तो उन्होंने उन्होंने तंग किया, तो उन्हां लोकां तो समाज तो तंग आ के इदां दे बंदियां ने बंदे मारने शुरू कर दिते, बंदे मारने शुरू करते। दुखी होया बंदा जिवें किवें हुण मान लो तंग होया बंदा हथियार चुक लैंदा है, सिस्टम तो अक्या बंदा हथियार चुक लैंदा है। उस वेले इस समाज तो तंग होए बंदे सी, कोई ये कोई राक्षस कोई दंद नहीं सी लगे वड्डे वड्डे, क्योंकि साढ़े अंदर पिक्चर बन गई ना जदों राक्षस कहता तो आप कितने निक्के हुंदिया ने सीरीयल विच कितने टीवी च वेख्या तो अपने सामने भी सिंग लगे होणगे कौडे राक्षस दे, इदां अपने मन च पिक्चर बन जांदी। राक्षस नहीं असल विच वह जदों लोगों को मारदा सी ना तंग होया होया सी, ते जदों उन्हें मारना जिहड़ा उहदे सामने आ जाणा उहने मार देना। बहुत बंदे दुखी होया इदां ही करदा सी, कड़ाया तेल का गर्म किया होया सी, जिन्हों लभदा सी विच सिट दिंदा सी विच सिट दिंदा सी, बड़े बंदियां नूं मारिया सी। ते जिहड़ी बरादरी नूं मारदे सी धक्का करन वाले फिर कहिंदे सी कहिंदे उह ते राक्षस है, राक्षस उधर जान ना जाए उधर राक्षस रहिंदा है, उह ते राक्षस रहे। हालांकि राक्षस बंदा ही सी, वो कोई वड्डे वड्डे सिंग नहीं सी लगे। ना माफ करना बंदियां दे सिंग हुंदे ही ने, ये सब मनोकल्पत गल्लां ने भी सिंगा वाला बंदा जां दंदां वड्डे वड्डे दंदां वाला, एक कहण विच गल आउंदी हालांकि इदां दा हुंदा कुछ नहीं। वह बंदे नूं कहण लग गए भी उधर ना जायो आदम खोर है, वह बंदे मार दिंदा है। उत्थे फिर गुरु नानक जी जांदे है, ते जदों उहने गुरु नानक पातशाह जी दे दर्शन कीते ते सतगुर जी की बाणी सुनी, सतगुर जी के बचन सुन के ऐसा उहदा मन मोहिया गया कि कौडा भील जिन्हों राक्षस कहिंदे सी मर सच्चे पातशाह ने इंसानियत उहदे अंदर भर दित्ती, कौडे नूं गुरु साहब ने इंसान बना दित्ता। गुरु साहब की कृपा नाल उह देवता बन गया जी। पढ़दे हां बलिहारी अपने गुरु तो बलिहार जाइए, जिहड़ा देवते बना दिंदा बंदियां नूं, कई कई वारी सदके जाइए जी अपने गुरु तो, सदा ही वार ने जाइए सदा ही रोज बलिहारी गुर अपने अपने सतगुरु तो बलिहारे जाइए। क्यों? सतगुरु जी ने देवते बना दिता। देवते बनाने का मतलब कोई साढ़े नहीं भी मुकट लग्या हुंदा देवत्यां दे जां कोई वक्खरा, ना राक्षस की कोई बाहरों शक्ल वक्री हुंदी है ना देवते की शक्ल बाहरों वक्री हुंदी है। दैवी गुण आ गए जदों तो देवता बन गया। शरीर तो इदां दा ही लगना जिवें दा होना है, शरीर विच कोई बदलाव नहीं आना। बंदा कदों राक्षस बन गया, शरीर विच बदलाव नहीं आना अंदरों ही बन जाता है। तो कदों गुरु तो अकल लैके देवता बन गया बाहरों कोई पता नहीं लगना, बाहरों शरीर बंदे वाले ही रहना है, बस अंदरों ही बना देंगे ने। आखो सतनाम अंदरों ही बनाते हैं। ये जिहड़ी चेंजिंग आउंदी है ये अंदर आउंदी है, सतगुरु अंदरों बना बदल देंदे ने। बस जदों बदल गया चेंज हो गया, मैंटैलिटी बदल गई, सोच बदल गई, इसे नूं ही देवता बनाउणा हुंदा है। होर कोई देवते पूजण असीं
पढ़िया सी मेरा ख्याल कल दे दवान विच ही आप पढ़ रहे सी भी नावण को तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन को बहुदेव इत किनू किनू पूजेगा तू देवते कि 33 करोड़ दस दे एक जिन्हों कहो भी चलो मन लागे 33 करोड़ के नाम से दस दौ चलो 33 करोड़ दे नहीं 33,000 दे ही दस दौ चलो 33,000 दे नहीं 3,300 दे ही दस दौ दस दौ कहण की गल 33 करोड़ बस छड़ो मानता की है पहले समयां की गल छड़ो साढ़े गुरु दैवी गुण भर देंदे ने देवता बन गया देवते पूजने नहीं भाई देवते आप बनना है अकल लैके देवते बनना है पता ही नहीं लगा चंगा भला आया सी चंगा भला आया सी इत्थे आके ऐसा बिगड़िया लै बाहरों उवें ही है बाहरों उवें ही है अंदरों राक्षस बन गया अंदरों बिगड़ गया अंदरों प्रेत बन गया माया मोह प्रेत है काम क्रोध अहंकारा कहिंदे प्रेत वेखे ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रेत वेखो जिहड़े दिसदे ने ओह ते नहीं ना आपां वेखे सुणियां ही गल्लां ने बहुतियां सुणियां ही होईयां ने भी प्रेत आ गया जी इदां वड़ गया जी घर च इदां हो गया पर इत्थे वेखो जिहड़े प्रेत गुरु जी दसदे ने वेखो दिसदे लॉजिकली बादली साढ़े गुरु जी दस दे भी जदों बंदा काम विच अन्ना होया ना अखबारा पढ़ते हैं आप अखबारा विच पेपरां विच पढ़ते हैं इत्थे दा ते चलो ठीक है कुछ इंडिया विच लग सुनी है गल भी 8 साल दी बच्ची दे नाल 50 साल दे बंदे ने मूँह काला कीता शब्द वरतदे हैं माफ करना रेप कीता उदों फिर गुरु जी कहिंदे काम विच अन्ना होया ओ वेखो ये बंदा नहीं ये की है बोल दिओ की है ये प्रेत है ये राक्षस है काम माया मोह प्रेत है काम क्रोध अहंकार आ कहिंदे इहनूं बंदा ना जाणो ये प्रेत है प्रेत जिउंदा होया विगड़िया होया है प्रेत इंसानियत कित्थे है इहदे च प्रेत बन गया प्रेत अच्छा माया दे मोह विच फसिया होया है कल भी गल हुई सी दफ्तर दे विच बैठा है 50,000 तनखा लैंदा है 300 रुपये दा जिहड़ा दिहाड़ी वाला बंदा है जदों 300 रुपया दिहाड़ी वाला आके कहिंदा जी मेरा काम कर दिओ उहनूं कहिंदा कर दे जेब खाली कहिंदे इहनूं दफ्तर विच सोहना पोडर ला के बैठे नूं इह ना समझो भी बड़ा टिचन पिचन हो के बैठा है महाराज कहिंदे प्रेत बैठा है आखो सतनाम है दिसदा प्रेत ये दिसदे ने जिहड़े गुरु जी दसदे है ये इदां ही ने साढ़े च ही है प्रेत पुणा ये साढ़े च ही है ये साढ़े च ही है ते गुरु जी कृपा करदे ने क्रोध विच बंदा प्रेत बन जांदा है काम क्रोध क्रोध विच भी प्रेत बन जांदा है हंकार विच भी प्रेत बन जांदा है गरीबां नाल धक्का करदा है वड्डे अहुदे ते बह गया वड्डी कुर्सी ते बह गया 4 पैसे कोल आ गए कहिंदे फिर गरीबां नूं लताड़दा है तंग करदा है धक्का करदा है लोकां दे नाल जबरदस्ती करदा है गरीबां दीआं जमीनां ते कब्जे करदा है गरीब दी प्रॉपर्टी ते कब्जा करदा है वेखो महाराज कहिंदे इह हंकारिया होया है आकड़ आकड़ के तुरदा है गुरु जी कहिंदे इह प्रेत है इहो जिहे प्रेत ते इह सतगुरु कृपा करदे ने प्रेतों कीता कीतोन देवता कहिंदे गुरु साहब इहो जिहे प्रेतां नूं अकल दे के देवते बना दिंदे ने बाहरों कुछ नहीं बदलता अंदर ही बदली जांदा है सतनाम इहो जिहे विगड़े प्रेत गुरु देवते बना दिंदा है जिहड़े बहुत विगड़े होए सी ध्यान एकाग्र रखो जिहड़े बहुत विगड़े होए सी उहनां नूं गुरु साहब ने देवते बना दिता बस आपां बण जाइए सतगुर की बाणी प्रेतां तों देवते बणांदी है आपां ही प्रेत बने फिरदे आं देवते बणीए बस उन्हां कन्नी वेखी जाने प्रेतां दा भला करता बाणी ने पशुआं दा भला करता पशु प्रेत मुगध को तारे पाहन
पार उतार। होना पंक्ति है ना बाणी दी, इनू गुरु ग्रंथ साहब तो ही पुछो भी दसो महाराज, आ सुनियो आ ध्यान नाल सुनियो, लो शुरू तो पढ़ लो। ऊच अपार बेअंत स्वामी, ऊच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावते उधर है सुनते उधर है, बिन सह पाप करे। जे थोड़ा जा एक्टिव होके सुनो तो गल समझ जाओ, जरा क सीधे जो होके एक्टिव होके बैठो, ध्यान एकाग्र रखियो, फिर आप गल खोल के करते हैं। बड़ा वड्डा भरम है मन विच, बड़ा वड्डा सवाल है, जे किते गुरु जी हल कर दे आखो सतनाम, जे साडे गुरु जी कृपा करके हल कर दे, ये गल साडे ध्यान च आ जाए, साडे समझ च आ जाए गल। बड़ा वड्डा क्वेश्चन है साडा, सुनो हुण ध्यान नाल, पूरा ध्यान रखियो। मालिक बड़ा उच्चा है, ऊच अपार बेअंत स्वामी, स्वामी मालिक सारे पासे रमिया होया है, कौन जाने गुण तेरे, तेरे गुणा नूं कोई नहीं जान सकता, कोई अंत ही नहीं तेरा। चलो हाँ जी अगे, फिर जेड़े गाउंदे ने जेड़े सुनदे ने, तेरी सिफत करदे ने, तेनू गाउंदे ने, तेनू तेरे बारे सुनदे ने, उन्हां दा भला हो जांदा है, गावते उधरे उन्हां दा भला हो गया, सुनते उधरे, बिन सह पाप कनेरे, उन्हां दे बहुत पाप लै जांदे ने। पाप की हुंदे ने जी, वकार, भेड़े फुरने, मन दी मैल गंद मंद जिहड़ा अंदर भरिया होया सी ओ लै जांदे ने। हुण अगली गल नूं ध्यान नाल सुणियो, गुरु जी हुण अगे की कहिंदे ने। हां जी, पशु प्रेत मुगध का तारे, पाहन पार उतारे। पशु पहले नंबर ते, पशु अगे जी, प्रेत अगे, मुगध, मुगध कहिंदे मूर्ख नूं, मुगध को तारे, पाहन, पाहन कहिंदे पत्थर नूं, पाहन पार उतारे। हुण आपां जदों इह पंक्तियां सुणदे आं ते साडे मन विच की आउंदा है, साडे गुरु जी पशुआं नूं वी तारदे ने, साडे गुरु जी पत्थरां नूं वी तारदे ने, साडे गुरु जी प्रेतां नूं वी तारदे ने, साडे गुरु जी मूर्खां नूं वी तार दिंदे ने। पर माफ करना, मैं बेनती करा, इत्थे इह चारे जिन्हां दा जिक्र कीता है, इह गल साडी चल रही है, अपनी गल चल रही है इत्थे, पशु दी गल है। चलो दसो, मैं हुण तुहानूं पुछदा, पशु नूं बाणी तारदी है, तुसीं कहो हां जी वी तारदी है। अच्छा, फिर दरबार साहब विच कुत्ते नूं आउण दी आग्या है, बोलो, फिर तारना नहीं, फिर जिथे आपां मझां बन्नियां ने पिंडां विच, साडे अपने किन्नियां मझां गावां अपने पिंडां च ने, फिर उन्हां मझां गावां नूं आपां बाणी सुणाउंदे आ वी उन्हां दा पार उतारा कर दीए। चलो उतों उन अपने ते चलो उत्थे ने, इत्थे फार्म बहुत वड्डे वड्डे ने, इन्हां दा फिर किवें करिए, इत्थे ते बहुत गावां दुध दिंदियां, आपां सारे उन्हां दा ही पीने आ, उन्हां दा भला किवें होवे। इत्थे जिहड़े पशु दी गल कीती है ना पहले नंबर ते, ओह पशु गुर की बाणी, गुर ते जाती, गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो भी महाराज तुसीं कहिंदे हो उधार हो जांदा गाउण वालियां दा सुणन वालियां दा, पहले नंबर ते तुसी पशु दस्या है, केड़े पशु दा, ते गुरु जी कहणगे करतूत पशु की मानस जात, जिहड़ा अंदरों पशु सी, अंदरों पशु सी, बिगड़िया होया सी जिहड़ा, पशुआं वाले कम करदा सी जिहड़ा, जिहड़ा कुत्ता गधा बनिया होया सी, ज्ञान ना होण करके गधे वाला कम करदा सी,
ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਭੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ, ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਤੇ ਸਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਲੋਭੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਭਾਈ, ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਹੈ ਸੂਕਰ ਹੈ, ਗਰਦ ਪੈ ਕੱਕ ਹੈ ਸਰਪਨ ਹੈ ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਗਧਾ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੀਣਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀਣਾ ਕਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਸੂਰ ਹੈ। ਸੂਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ? ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਖੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਵੀ ਐਗਜੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੂਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਕਿਉਂ? ਸੂਰ ਕਿਉਂ? ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀਭ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਗੰਦ। ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਗੰਦ। ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਮਾੜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣਾ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕੀ? ਗੰਦ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਈ? ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਅਕਲ ਨਾ ਅਕਲ ਲਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਜੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲਈ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਿਹ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕੁੱਤਾ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਚੌਥੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਭ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਲੋਭ ਲੋਭ, ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪੈਸਾ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ? ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਭੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ।
हलका कुत्ता मूँह चो झग सिटदा है, कहिंदे लोभी भी निंदिया दी झग सिटदा ही रहिंदा, माड़ा ही कहिंदा किसे नूं चंगा नहीं कहेगा। ते हलका कुत्ता पाणी तो डरदा है, लोभी बाणी तो डरदा है, उहनूं बाणी चंगी नहीं लगदी। क्यों है कुत्ता, हलका कुत्ता क्यों है? सूर क्यों कहिंदे ने महाराज, कां क्यों कहिंदे ने, गधा क्यों कहिंदे ने, सप क्यों कहिंदे ने? सप नालदियां दे पंछियां दे आंडे खा के ना जी, आंडे खा के दूजे जानवरां दे आंडे पी जांदा है, फिर टेढ़ा टेढ़ा होके तुरदा है, टेढ़ा मेढ़ा होके तुरदा ना। एदा ही है जी, दूजियां दा हक खांदे ने, दूजियां नूं हक खांदे ने। किवें पता है भी डालर ते दस बनते ने, डालर किन्ने बनते ने? दस। चल फसिया होया है, कच्चा बंदा, पंज नाली सार देने आ, आखो सतनाम। लो थोड़ी एग्जाम्पल है भी चल पंज ही ठीक ने, ये की कर लेगा, ये की कर लेगा? है बनते दस ने, पंज ही बहुत ने, बस ये की कर लेंगे? कच्चा है। अच्छा खांदा है पर बगानियां दा हक, फिर जो चार बंदे बैठे होणगे ना, वह कट्ठा करके ढिड भरिया बहुत प्रॉपर्टियां बना लिया, फिर खा के बगाना सप्प वांगू फिर टेढ़ा हो तुरदा है, सीधा नहीं तुरदा, आकड़ आकड़ के पासे मार मार तुरदा है, टेढ़ा टिंगा होके तुरदा है। क्यों? पराया हक खाधा है ते पैसा बहुत है, हंकार वध जांदा, फिर टेढ़ा टिंगा हो तुरदा है। इतां के है सब तो सर्प जैसे अरजारी, कहने सप वर्गी आरजा भोग दे, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहा व्यापै जाको ओट, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावे, अंत चलै गो हारी। सप वर्गी जिंदगी भोगदा है इना सप्पां दी गल। यह हुण आपां पता, आपां इत्थे बैठे सोचने आ चल यार सप्पां दा भला होना चाहिए, ते सप्प दा केड़ा भला? बाणी सप्पां लई है, दसो बोलो, बाणी सप्पां लई है, साडे लई है, मझां गावां लई है, साडे लई है? यह हुण पशु गया ना, पशु पहले नंबर ते, पशु दी गल चल रही है, जे आपां पशु ते खड़े आ, यह चेता रखियो भी पशु ते खड़े आ जे, भी पशु बंदा ही है विगड़ के। सतगुरु उधार कर देंदे ने, भला कर देंदे ने, पर ये पशु बनया होया है। ते जदों गुरु साहब ने अकल देती, सतगुरु जी ने समझ देती, फिर अंदरला पशु पुणा खत्म हो गया। हुण सिंग मारने छड़ते, मारदे ने कई ढिड्डा, दिसदे थोड़ा हुंदे ने सिंग, मूर्खां दे सिंग दिसदे थोड़ा हुंदे ने, जिहड़े पशु ने सिंग मारदे ने, पर पशुआं दे सिंग दिसदे नहीं हुंदे, ये सिंग मारदे ने। ते गुरु ने कृपा कर दित्ती, सतगुरां दी बाणी सुन के समझ के जिंदगी जिउण दा चज आ गया, लै पशु तो देवता बन गया, इंसानियत जाग पई, लै हुण नहीं मारदा सिंग। पहले नंबर ते की जी? पशु। दूजे नंबर ते ध्यान एक, दूजे नंबर ते की? प्रेत। हुण आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछदे आ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रेत किहनूं कहिंदे आ? ते इह मैं वैसे पंक्ति पहलां बोल दित्ती है भी महाराज कहिंदे प्रेत की है? माया मोह प्रेत है। लो भाई आ है प्रेत, काम क्रोध अहंकार। इदां कहिंदे बंदा प्रेत बन जांदा है, विगड़ के प्रेत बनिया हुंदा है, क्योंकि ये शब्द प्रचलित ने पहले समयां दे, ते गुरु जी ने उस शब्दां नूं वरत के सानू चज दस्या जे आउण दा। अकल लईए बस असी इदां मूँह चुक के भी हाँ जी बाणी प्रेतां दा, मेरा मैं प्रेत हाँ, ते मेरा भला करो सच्चे पातशाह। बंदे ही विगड़ के प्रेत बने फिरदे ने, बंदियां दा भला कर लो, किहड़े प्रेतां वाले चुकी फिरदे असीं भी कर लो जी भला, आपां भला अपना करा लो, इत्थे थोड़े प्रेत ने जिउंदे, लखां ही तुरे फिरदे ने, प्रेत ही प्रेत लभदे ने हर पासे। आ जिहड़े प्रेत गुरु ग्रंथ साहिब ने दस्सिया सानू ते बहुत लभदे ने अज,
कोई काम विच प्रेत बनिया फिरदा, कोई क्रोध च प्रेत बन जांदा, कोई लोभ च प्रेत बन जांदा, कोई हंकार विच प्रेत बनिया फिरदा, प्रेत ही प्रेत ने इत्थे। बस आपां अपना प्रेत पुणा कढा लो, ओ सिंगा सुंगा वालियां नूं रहण ही दिओ, आखो सतनाम। नाले न्याणे डरी जांदे आ, निके निके बच्चे डरी जांदे आ, वी पता नहीं किहड़े प्रेत दीआं गल्लां करदे ने। सो तां करके भाई चलो, बाकी मनना हर बंदे दी अपनी अपनी सोच हुंदी है, हर बंदा बाकी सुतंत्र भी तो है ना, सोच भी बंदे दी आपो अपनी है, तो बंदा अपने विचारां प्रति आजाद भी तो है, आजाद है, आपो अपना मनना है, बाकी जिहड़ियां दी मर्जी है, भी जिन्हां दा लगता भी चल मनना है तो मनी जाण, उहनां दी मर्जी है, मर्जी आपो अपनी, तुसीं मनी चलो, पर बस अंदरला प्रेत गुणा साडा निकले, इहदी गल पहिलां कर लईए, इह प्रेत गुणा कट लो। फिर बार दी बाणी अंदर पढ़दे आं ना आपां, कल्ली अंदर नानक, कल्ली अंदर नानक पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये हुण गल केड़े जिन्ना जिन्नियां दी कीती है, सारा टब्बर अपना ही है, आखो सतनाम। ये अपनी गल नहीं चलदी इत्थे, जिन जिन्नियां, फिर होर होर पढ़ लो, जह घर साध ना सेवीए कबीर, जा घर साध ना सेवीए हर की सेवा नाहे, ते घर मर हठ सार के भूत बसै तिन माहे, भूत बसै तिन माहे। जेडे घरां विच सच सच नहीं, ज्ञान नहीं, साधु सतगुर नूं समझदा ही कोई कुछ नहीं, भी असी की लैणा है जी, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਘਰ ਮੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਭੂਤ। ਇਹ ਭੂਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਚਿੰਬੜਿਆ ਘਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਭਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਰਸੋਈ ਵਰਗੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਫਿਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖਹਿੜਾ ਤੇਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੰਬੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਿੰਬੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ
जिन्हां नूं याद बोलो अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन अगे हरी भाई गोविंद नाम मत बीसरै अगे की है अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै वेशवा जोन वल वल उतरै। हुण मैं तुहानूं एक बेनती करके पुछदा मैनूं जवाब दिओ जरा वेशवा जोन वल वल उतरै मैनूं जवाब दिओ हुण तुसीं सारे वेशवा दी जूनी हुंदी है सोच के जरा दिओ वेशवा दी जूनी हुंदी है वेशवा की हुंदी है जून कादी है मनुखा जिहड़ी अज वेशवा है कदे किसे ना किसे घर धी बन के जम्मी होएगी धी सी ना किसे दी दसो हुण वेशवा जूनी हुंदी है कि वेशवा बिरती बोलो जरा वेशवा बिरती बिरती दी गल चल रही है हुण दसो प्रेत जूनी के प्रेत बिरती बिरती ये सारे शब्द विच बिरती दी गल चल रही है ना कि जूना दी बिरती इदां दी बंदा बिगड़ के प्रेत बन गया बिगड़ के जदों हुण मन लो साडी जिदा हुण मैं आ चाहे कोई बंदा है चाहे कोई बीबी है जिदा ध्यान हर वेले काम च ही रहना है अंत समय तक छड्डिया ही नहीं खेड़ा किवें हुण मेरे माइंड बंदे दे माइंड विच आई जांदा है कोई औरत काम वासना औरत दे मन विच कोई बंदा आई जांदा है माइंड दे विच इदां चली जांदा है और सारी जिंदगी बिरती दे विचों काम नहीं निकलिया ते वेशवा दे भी यही चलता रहिंदा सारी जिंदगी वो कहिंदे ठीक है तू रिहा ते भावें घर ही है तैनूं कहिंदा कोई नहीं सी पर तेरी सुरत विच्चों ते तेरे अंदरों ते नहीं ना गया काम तेरे अंदर ही चली गया तू जो मर्जी बनिया फिर अंत समय तक तेरा ध्यान कदे किसे च जांदा सी कदे किसे च जांदा सी कदे भावें तू कुछ कर नहीं सकिया पर ध्यान तेरा बार बार बगानिया च जांदा रहा है वेशवा दा भी ध्यान हुंदा कदे कोई कदे कोई कदे कोई कहिंदे तेरा मन भी कईआं च जांदा सी कहिंदे तू भी ते फिर वेशवा ही सी तू घट है गल साडी चलदी है जी साडी आपां हुण जदों आ शब्द आउणा है आपां कहिंदे वेशवा दी गल चलदी ना मेरी गल ना चलदी है सतगुरु मेरे मैनूं समझा रहे सानूं अपने ते लाणा पैणा फिर वेशवा तूं खेड़ा छड़ा दिओ हुण इक ते गल चल रही है वेशवा दी एक चल रही है प्रेत दी इह ते साडे ते टुकणी नहीं फिर इह मेरी बिरती ही वेशवा बिरती बन जांदी जदों बंदा सारी जिंदगी जिन्हें काम का खेड़ा ही नहीं छड़िया महाराज कहिंदे ये ना जाणो ये बंदा सी ये ते वेशवा सी बिरती करके वेशवा सी बिरती करके प्रेत सी बिरती करके सप सी बिरती करके सूरी सी 18-18 बच्चे सूरी दे हुंदे है इन्हें खेड़ा नहीं छड़िया अपने परिवार का हाय मेरे बच्चे इहदा ध्यान अपने बच्चियां च पुत्रां विच परिवार च ही रहा है कहिंदे इहनूं ना मन्नो इह सूर सी ते अंत समय तक जे परमात्मा नूं याद रखदा है अंत काल नारायण सिमरै अंत समय तक रब नूं नहीं भुल्लिया रह जिथे मर्जी बच्चे पाणी चल घर च रह सिमरदा किहनूं रह परमात्मा नूं जिहदे ध्यान विच परमात्मा रहेगा कहिंदे भाई ये तो फिर ज्यौंदा ही मुक्त सी मुक्त है बिरती करके जुड़िया होया परमात्मा नाल एकमिक हो गया ये मुक्त है अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदन तलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर वाक है बस मालके दे अंदर बैठा है बसिया होया है ये तो मुक्त है प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावै जीवन मुक्त सौ कहावै हो गया मुक्त ए मुक्त जानो ए मुक्त सी मुक्त है मुक्त रहेगा पर एक वो है जेड़ा सारी जिंदगी प्रेत ही बनिया रहा घर ची सुरत चिंबड़ी रही जी दी
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਤ ਪੂਣਾ ਕੱਢੋ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨ ਪੂਣਾ ਕੱਢੋ, ਆਪਣਾ ਭੂਤ ਪੂਣਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚਲੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਮੰਨ ਲੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਭੂਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੂਤ ਪੂਣਾ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਪਾਸਾ ਕੱਢ ਲੈ ਲਾਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਪੂਣਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਛੱਡੋ ਬਸ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜੇਲਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨਹੀਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਨੀ ਮਾਣ, ਨਾ ਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ, ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚੜੇਲ ਪੁਣੇ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਭੂਤ ਪੁਣਾ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਢੇ ਕੌਣ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢਣ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਢਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਤੋ ਹੋ ਕੀ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਤਿਨ ਕਰਣੈ ਹਾਰੇ, ਸਭੇ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ ਬਈ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਪਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ, ਤੀਜਾ ਮੁਗਦ, ਮੁਗਦ ਕਹੀਏ ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ, ਪ੍ਰੇਤ, ਮੁਗਧ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਜੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਖ, ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਖ। ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੰਨੈ ਨਾ ਹੀ ਨਾ,
सिरे का मूर्ख है जिहड़ा कहिंदे रब नूं नहीं मन्नदा किवें। हुण इहनूं एक मिनट लई खोल लईए, सिर्फ एक मिनट सुन लिओ, कल भी होई सी गल फिर कर दईए। लहर नूं भुलेखा पै गया, कहिंदी समुंदर नहीं है मैं ही हाँ। समुंदर है नहीं, लहर कहिंदी है मैं ही हाँ। किरण नूं भुलेखा पै गया, कहिंदी सूरज है नहीं मैं ही हाँ। सेब नूं भुलेखा पै गया, कहिंदा दरख्त है ही नहीं मैं ही हाँ। ते फिर आपां कहांगे वी मूर्ख है। इहदे नालों मूर्ख कौन है? सूरज है तां ही किरण है, दरख्त है तां ही सेब है, समुंदर है तां ही समुंदर दे विच लहर है, रब है तां ही असीं हाँ। ते जदों सानूं इह मान हो जांदा है, असीं मान कर लैंदे हाँ वी रब ते है ही नहीं मैं ही हाँ। ते इत्थे गुरु जी कहिंदे ने सिरे दा मूर्ख है जिहड़ा रब नूं नहीं मन्नदा, अपने आप नूं सब कुछ समझी फिरदा है। आखो सतनाम, इह मूर्ख। सतगुरु जी मूर्खां दा वी भला करदे आ। मूर्ख ने जेड़े केड़े? जेड़े अपनी अलग हस्ती बना के बैठे आ, जेड़े परमात्मा तो बिना अपनी वक्री हस्ती मन के बैठे आ। ये मन के बैठे आ कि मैं फलाना सिंह, मेरी अलग हस्ती है कोई, परमात्मा तो बिना साड़ी कोई हस्ती नहीं। मैं कल भी कहा सी लहर दी समुंदर तो बिना कोई वक्री हस्ती है, किरण दी कोई सूरज तो बिना वक्री हस्ती है, बोलो रब तो बिना साड़ी कोई वक्री हस्ती है? पर असी मनी बैठे हाँ, असी मन के बैठे हाँ भी मेरी हस्ती है, मैं ले मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। तो फिर गुरु जी कहते सिरे का मूर्ख ही है, अलग हस्ती बन के बह गया तू अपनी। इतने फिर महाराज कहते हैं खोलिया, मूर्खा सिर मूर्ख है कौन जी? मन्ने ना ही ना, सिरे का मूर्ख है जिहड़ा रब की होंद नूं नहीं मनता, अपने आप नूं अलग मन के बैठा है। हुण गुरु जी कहिंदे आ, हुण फिर आपां पढ़ो, पशु दूजे नंबर ते, प्रेत तीजा कौन है जी? मुगध। पशु प्रेत मुगध कौ तारै। उस तो अगला की रह गया? पाहन। पाहन कहिंदे आ जी पत्थर नूं, पत्थर। ते गुरु जी तुसीं पत्थरां नूं तार दिंदे हो, तो फिर अपने वर्गे पता की सोचते हैं? मैं भी तारना, आप पढ़ते डुबदे पत्थरां नूं तारन वाले आ, जिहड़े पत्थर डुबे हुए ने पानी च, डुबे पए ने पत्थर, कई युगां तो डुबे पए ने, सदियां तो पत्थर कई पानी च डुबे पए ने, डुबे ही पए ने। चलो मन लो जे पत्थर डुबदा होया तर भी जाएगा तो फिर की हो जाएगा? मन लो भी धरती दे विच जिहड़ा पत्थर डुबिया पिया, पत्थर तर भी जाएगा फिर की हो जाएगा? इत्थे महाराज नूं पुछणा, गुरु ग्रंथ साहिब तों ही पुछांगे आपां भी सतगुरु जी पत्थर कौन है? मन महाराज कहिंदे ने मनमुख पत्थर सिल है, सिल मनमुख है जिहड़ा, कहिंदे पत्थर सिल बन चुकिया है, त्रिग जीवन फीका, कहिंदे विगड़िया होया बंदा ही सिल पत्थर वर्गा हुंदा है। आखो सतनाम, सिल पत्थर किवें है जी? जिन्ना मर्जी बूंदा पई जान कोई असर ही नहीं हुंदा। हुण जिहड़े बंदे पत्थर दिल इंसान ने, भावें दिन रात सुनदे रहन, फिर कहणगे मेरे नहीं, मेरे मैं नहीं जी बदल सकदा, मैं नहीं छड्ड सकदा, मैनू नहीं कोई सुधार सकदा, असी ते कदे अपने प्यो दी नहीं मन्नी। इदां कहिंदे, असी तो कदे किसे दी परवाह नहीं कीती, असी अपने प्यो दी नहीं मन्नी। इहो जिहां महाराज की कहिंदे ने? कहिंदे सिल पत्थर है, होर की है? ते मेरे गुरु जी इत्थे कहिंदे ने इहो जे पत्थर जिहड़े कदे भी किसे दी नहीं सी मन्नदे, मालका गाव ते उधरे सुनते उधरे हैं, तू उधार करता उन्हां दा, पशुआं दा, प्रेतां दा, मूर्खां दा, पत्थरां दा। ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਭਲੇ ਹਾਰੀ ਬੁਰੇ ਆਪਣੇ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸੌ
चंदा उगू है, सैकड़े ही चढ़ जाने चंद्रमा, सूरज चढ़ है हजार हजारा चंद्रमा, सूरज चढ़ जान एते चानन होंदे आ गुरबिण अंदर हनेरा ही रहना। अंदरों बंदे नू चानन नहीं हो सकता जिन्ना चिर गुरु का ज्ञान नहीं लेंदा। तरक्की बाहरों जिन्नी मर्जी कर लवे, अंदरला पशु पुणा सतगुरु जी की मेहर नाल ठीक होंदा भाई, महाराज की कृपा नाल ठीक होंदा। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहिता। ये जेड़े साडा भला कर दे आ, साडा पार उतारा कर देंदे आ, इस करके उहदी शरण विच रहिए। हुण पूरी पंक्ति पढ़। पशु परे मुखत कहो तारे पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारे। तेरी शरण विच हाँ आए हैं, तेरे तो सदा ही बलिहार जाइए। क्यों? क्योंकि तू गावते उधर उधार कर देना है, उन्हें भला हो जाता है। जेडे सुनते ने जेडे गाते हैं, कोई गावे को सुना हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। उन्हों की गति हो जाती है, उन्होंने भला हो जाता है। जेडे मेरे मालिक जी थोड़ी सिफत करते हैं, जेडे थोड़े गुण गाण लग जाते हैं। इस करके बेनती है कि आप सतगुरु जी तो सच्चा ज्ञान लैके ना जी अपना पशु पुना खत्म कर लीए। अपने अपना अपना जीवन बिगड़िया पे, किसी का कुछ नहीं जाता। बाहरों असी ना जी जिन्हें मर्जी पाउडर ला लो, जिन्हिया मर्जी क्रीमा ला लो, जिन्ना मर्जी असी बाहरों बने फिरीए, जिन्ना चिर असी अंदरों पशु हाँ ना जी असी सेंगी मारते फिरना। जिन्ना चिर असी साडा अंदरला पशु पुना खत्म नहीं हुंदा, उन्ना चिर जिंदगी च कोई रस नहीं, कोई रिश्ता नहीं असी चज तरह निभा सकते। ना असी चंगे पुत बन सकते हैं, ना असी चंगे पति बन सकते हैं, ना असी चंगे पिता बन सकते हैं, ना चंगा दादा, ना चंगा कुछ भी नहीं। जदों सतगुरु तो अकल लैके इंसानियत साडे अंदर जाग पेगी, जदों सतगुरु के बचना च बंद हो जाएंगे, अधीनगी सतगुरु जी की स्वीकार कर लेंगे, फिर गल बन जाएगी, फिर सतगुरु जी की बख्शिश का मेघ वरसदा है। ये फिर जी आनंद अंदर सदा ही बनिया रहिंदा, चिम चिम वरसै अमृत तारा। ये वेखो टिकवां टिकवां मीह पै जे चिम चिम वरसै, जिवें झड़ी लग जाती है, थोड़ा जा मीह पै गया धरती दे विच चलिया गया, थोड़ा जा पै गया अंदर चलिया गया। इदां ही महाराज इत्थे कह रहे हैं भी सुन लिया शब्द विचारा, सुनी शब्द विचार, सुनी अंदर गई, सुनी अंदर गई, सुनी अंदर गई। इहनूं कहिंदे चिम चिम वरसा। जदों मन लो गुरबाणी की कथा चले, इदां सानूं सोचना चाहिए है भी लो जी हुण ना जी अमृत का मीह पैण, टिकवां टिकवां अमृत का मीह पैण लग गया, क्योंकि सतगुरु जी के बचन अमृत रूप हैं। गुरु ग्रंथ साहब के बचन अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए। आ दर्शन बाणी चो हुंदा है। हुण मेरी सुनियो ध्यान नाल, जदों गुरबाणी दी कथा चले फिर इदां सोचना चाहिए है, लो जी टिकवां टिकवां मीह पैण लग गया, कादा अमृत दा, ये अमृत बचना का मीह पैण लग पिया। अच्छा जिमें जिमें सुनी जाइए अंदर जाई जाए, सुनी जाओ अंदर जाई जाए, सुनी जाइए अंदर जाई जाए। चिम चिम वरस है अमृत तारा, मन पीवे मन पी रहा, सुन शब्द विचार। जिमें आप पहला हुण शब्द की विचार कर रहे पशु प्रेत, इदा शब्द की विचार सुनते हैं जदों, बस फिर मन पीण लग पैंदा है। हुण जदों मन पी लेगा फिर मन इन्ना मजबूत हो जाना है, इन्हें डिगना ही नहीं। हुण वेखो जिहड़ा बंदा वधिया खुराक खांदा है उहदा शरीर तकड़ा है, ते तकड़े शरीर वाले नूं इदां धक्का दे के कोई किवें सिट लेगा, अगों मजबूत है। इदां ही ना जी साडा जदों मन अमृत पीएगा, अमृत पी पी के इन्हें अंदरों इन्ना स्ट्रोंग हो जाना है
अंदरों स्ट्रोंग इन्ना हो जाना है, बस फिर कोई डेग नहीं सकता। कोई जो मर्जी गल्लां करी जावे, कोई मर्जी कोई कुछ कही जावे, माफ करना भावे कोई गोलियां मार जे, तामी फर्क नहीं पैंदा। आखो सतनाम, अंदरों बंदा इन्ना स्ट्रोंग हो जाता है, क्योंकि अमृत पींदा है ना, ज्ञान अमृत छकदा है रोज। उन्हें कला सुनिया ही नहीं, वह पी गया, तो पी गया जेड़ा तकड़ा हो गया। जेडे हुण आपां इदां जे कर हाए किते इदां ना हो जाए, किते घाटे ना पै जाण, किते मौत ही ना हो जाए, बच्चे कम ते ओह किते इदां ना हो जाए, हर वेले इदां दिल थले थले नूं जाई जांदा है। ये वह लोग ने जिन्हां ने अमृत पीता नहीं, भाव गुरबाणी की कथा नहीं सुनी, सही ढंग नाल गुरु के बचना नूं नहीं समझिया। ये अंदरों बहुत कमजोर ने, ये अंदरों बहुत कमजोर लोग ने। अंदरों कमजोर तां ने क्योंकि सुनदे नहीं, ते जेड़ा सुनया सुनाया भी जांदा, मैं आ भी नाल बेनती करदे आ, जेड़ा सुनाया भी जांदा है, माफ करना उत्थे भी मेरे वर्गे असी टाइम ही पास करदे आ, साडे विच भी कमियां बहुत, असी सही ढंग नाल ना एक्सप्लेन कर सकदे आ, ना समझना समझाउणा हुंदा है, फिर सुनने वाले भी उदां दे, सुनाउण वाले भी उदां दे। पर जे किते असी कोशिश करिए वी असी सही ढंग नाल गुरु साहब दे बचन सुनने समझने ने, फिर अंदरों स्ट्रोंग हो जांगे। फिर अच्छा सुनियो, जदों असी ये बाणी नूं सुनना है, फिर सानू पता लगना है सब किश घर मैं बाहर मैं। एवें ही मना बाहर लभदे फिरदे सी, बाहर बहुत सोहना है। देखो आपां इदां सोचदे, अमरीका बहुत सोहना है, नागरा फाल चले जाओ बहुत सोहना है, दुबई विचों फलाना बुरज की कहिंदे ने बहुत सोहना है, इंडिया का ताजमहल कहिंदे जी बहुत सोहना है, किन्नियां चीज़ां ने है ना जी, वेखियो आ सोहना, आ बहुत सोहना भी, बल्ले बल्ले आ बहुत सोहना। फिर पता लगना है गुरु जी अकल की देंदे ने, सब नालों सोहना ते तू आप है, तेरे तो सोहना ते इत्थे कुछ नहीं। पता की कारण है, तेनू अपने आप का पता ही नहीं, तू बाहर ही भटकता फिरदा है। आखो सतनाम, सब नालों सोहना तू आप है। स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहाण सदा मन जाओ। तू सब तो सोहना है, तेरे नालों सोहना कख नहीं। मटीरियल ही है ना, जोड़ तोड़ करके इकट्ठा करता बस, है कि है इट्टा ने चूना मिट्टी, मिट्टी तो इट्टा बन गई, दरख्त लकड़ दे उत्तों सारा कुछ बन गया है, तो यो ही कुछ है। पर महाराज कहिंदे जे तू अपने अंदर वेखे तो तेरे तो सोहना कोई नहीं, पर दुख इस गल दा वी तू अपने आप नू वेखदा नहीं। मन तू जोत स्वरूप है, तू कोई छोटी मोटी गल, रब की जोत है तू, परमात्मा की अंश है तू, तू अपने आप नू वेखे ते तेरे नालों सोहना कोई नहीं। पढ़ दे, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मन जोत स्वरूप है, अपने आप नूं इदां कहना हुंदा भाई, जदों बाणी पढ़दी है पढ़ी है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति जे गुरु तो मत लै लवे ते रंग माणे अकल लवे मन, फिर तेनू तेरे अंदर ही भेजणगे। सच्चे पातशाह दा ज्ञान बाणी दा सानू साडे अंदर ही भेजदा है, अंदर ही। हुण अगली पंक्ति वेखो, चिम चिम सब किश घर मैं बाहर नाही, बाहर टुल है सो भरम भुला। जिहड़ा बाहर लभदा फिरदा है उह ते भरमां विच फसिया होया, ते गुरु तो अकल लै के जिन्ने अंदरों लभिया बड़ा सौखा हो गया। हाँ जी, गुरपन साधी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जियो। गुर प्रसादी गुरु तो अकल लैके, गुरु की कृपा नाल जिन्हां ने अपने अंदरों पाया, अंदरों लभिया, वह अंदरों भी सौखे, बाहर भी, वह घर सुख वसया, बाहर सुख पाया।
ਕਿਵੇਂ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਵੇਖੋ, ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਲਓ ਜੀ ਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਕਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਸੁਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਸੁਣਦਾ, ਟਿਕਵਾਂ ਟਿਕਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਲਾਦੀਓ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੋ ਕਾਰਿਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਕਾ ਹਰਿਆ, ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਮਤ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਮਤ ਪਾਏ, ਸੁਮਤ ਲਈ ਨਾ, ਅਕਲ ਲਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਈ, ਆਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
10 दिन लंघ गए, 15 दिन लग गए, फिर डॉक्टर साहब कोल गया। इदां जाके डॉक्टर साहब जी कृपा कर दिओ, खाधी नहीं दवाई, डॉक्टर साहब जी कृपा कर दिओ। वो कहिंदा भी तैनू मैं दवाई दित्ती सी, वह तो मैं खाधी नहीं, तैं टका के बड़े सोहने थां ते रखी हुई है, पर तुसी मेरे ते कृपा कर दिओ, मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरे ते कृपा करो डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहणगे भी तू दवाई खा, नहीं दवाई दवाई नहीं मैं खानी, पर कृपा कर दिओ। वो कहेगा तंदुरुस्त कर दिओ, डॉक्टर साहब मैनू तंदुरुस्त कर दिओ। तो डॉक्टर साहब कहेगा भी मैं तंदुरुस्ती तेरे मूँह च पा दिया। एक प्रोसैस है, एक प्रोसैस है, उहदे विच जद भाव तैनू असी दवाई देती तो तू दवाई प्रोपर खानी शुरू कर, परहेज रखने शुरू कर, तो फिर थोड़े दिन बाद तंदुरुस्ती तेरे अंदरों ही तैनू, तंदुरुस्ती कि बाहरों आँदी कि अंदरों ही आ जाती, दसो जरा, तंदुरुस्ती तो अंदरों ही आँदी है, बाहरों तो नहीं ना आँदी तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती तो अंदर ही है साढ़े, बाहरों तो तंदुरुस्ती किसी ने पानी नहीं, अंदर ही सी तंदुरुस्ती। अच्छा आ गल नूं समझो, आपां गुरु जी कोल आए, सतगुरु जी कृपा कर दिओ, तो साढ़े 225 साल लगा, कह लो तुसी 225 साल बनता है, वाधी बनता कह लो, 250 साल भी कह दीए, चलो 250 साल लगता है। 12वीं सदी दे विच बाबा फरीद साहब होए है, यह 500 साल का ज्ञान है, 500 साल के सारे भगत कट्ठे हो गए एक जगह। अच्छा उन्होंने सारिया ने सानू आ ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने कहता, असी कलगी वाले सच्चे पातशाह महाराज कृपा कर दो, उन्होंने पुड़ी बन के देती कहते दे लै ले जा, हुण एक प्रोसैस चो तेनू लंघना पैना है ते तंदुरुस्ती आ जाएगी, तेरे अंदर ही है तंदुरुस्ती। शांति चाहुंदा है, सुख चाहुंदा है, पर एक प्रोसैस है, उहदे चो लंघना पैना है। किवें भई दवाई लैनी पैनी है ते परहेज रखने पैणगे, थोड़े दिनों बाद तंदुरुस्ती अंदरों ही मिल जानी है। आखो सतनाम, अंदरों ही मिल जानी आ पई है। हुण मैनू इह दसो भी साढ़े मन के रोगों का की साढ़े सतगुरां नूं पता नहीं, सब तो वधिया वैद की दसो, मैं जरा जवाब दिओ कि कबीर साहब तो वधिया वैद कोई हो सकता है, गुरु नानक पातशाह वर्गा वैद कोई, कि गुरु गोबिंद सिंह वर्गा वैद हो सकता है। उन्हां वैदां ने सानू आप दवाई दे के सी कृपा करती, वैद की कृपा है उहदी दवाई, उन्हें तैनू जिहड़ी दवाई दित्ती है उही कृपा है, डॉक्टर की कृपा उहदी दवाई ही है, साडे गुरुआं की कृपा उन्हां दी दित्ती दवाई है। आ वेखो आ दित्ता होया नाम सच दा खजाना, आ ज्ञान, आ कृपा पई है, वह पई है कृपा, तो इहदे विच ही शांति पई है, तंदुरुस्ती भी इहदे विच ही पई है ना, दवाई दे जिहड़ी तुहाडे घर च दवाई दी ओह पुड़ी पई है, पुड़ी उहदे विच ही तंदुरुस्ती पई है, ठीक है जी, गल विच ही है, वह खाण नाल ही तंदुरुस्ती आउणी है ना, बस इत्थे ही शांति पई है, सुख भी पिया है, मुक्ति भी पई है, पर चुक के वर्तनी ते पेगी ना। आखो सतनाम, ते दवाई तू खांदा नहीं ते वैद डॉक्टर कोल जाके थोड़े दिन बाद फिर खड़ जाना है, डॉक्टर साहब कृपा कर दो, डॉक्टर साहब कृपा, दो मारा तेरे कन ते, तू सुनदा नहीं, तेन एक सिस्टम है, एक प्रोसैस है, उहदे चो लंघ भी, जब जब तेनू पता ही है तू फिर आके रोण लग जाना मेरे को, 10 दिन बाद फिर आके खड़ जाना, कृपा कर दो जी, की कृपा कर दो, कृपा ही है, तू मैनू अपना रोग दसिया, मैं तेनू चैक किया, मैं तेनू दवाई की पुड़ी बन के देती, आ हाल है अज सारा, सारे ही चीकां मारते फिरते हैं, दवाई खाते नहीं। आखो सतनाम, रो रहे हैं, दुखी हाँ, दवाई असी खा नहीं रहे, बस कद मेरे पैर फड़ लो, कद वो पैर फड़ लो, कद वो पैर फड़ लो, बस तुरे रहो भाई, कितों कख नहीं लभना, मेरा वैद गुरु बस, ये वैर साढ़े सतगुरु हैं जेड़े कृपा करके साढ़े मन के रोग कट्टणगे, जैसा सतगुरु सुनी दा, लो ये पढ़ते हैं, जैसा सतगुरु सुनी दा, जैसा सतगुरु सुनी दा।
पढ़ो पढ़ो गज के भाई ਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀਠ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਏ ਦਾ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਏ ਦਾ ਚੰਡਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਭਾ ਦੇਣਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖੋ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਏ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਲਾ ਪਾਇਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਆ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲੇ ਸਮਾਇਆ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ ਬਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਤਰੰਗ ਅਲੱਗ ਜੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਲਹਿਰ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਈ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ 'ਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਹਾਂਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟੇ ਕੇ ਵਾੜਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈਐ ਜੋ ਲਾਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਆੜ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਕੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਕੜੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਜਕੜੇ ਪਏ ਸੀ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟੂਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਏਦਾਂ ਜਕੜੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਉਹ ਕਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈ ਹੁਣ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰ ਘਰ ਕਰੋ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੋ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ
अज मेरे मन में सी भी कोई इतिहास की विचार करांगे, इतिहास का भी अपना एक रंग है गुरबाणी का, पर वैसे चलो ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फलाने सिख का भला हो गया, फलाने ने इदा हो गया, वह इदा हो गया, साडा की होया, असी उत्थे दे उत्थे ना खड़े रहिए। सो सतगुरु जी नूं समझ के आपां अपना अंदरला पशु पुणा प्रेत पुणा जिहड़ा है इहनूं खत्म कर दईए, सौखे जे ढंग नाल आपां महाराज दे बचनां नूं समझण की कोशिश करिए। बस बाकी मेरे तो बोलदिआं जिन्नियां भुल्लां गलतियां हो गईआं ने जरूर आप जी ने बख्श देना। असी कोई मैं विद्वान नहीं, ना ही आपां ते सिर्फ एक जतन करदे आं गुरु जी के बचना समझण की कोशिश करते हैं, वह भी माड़ी जी सिर्फ कोशिश है, यतन करते हैं माड़ा जहा भी जो साढ़े पल्ले पै जाए तो सतगुरु जी मेहर कर अकल देन सानू जिउण दा चज आवे अकल आ जाए, सतगुरु कृपा कर। सारिया संगतां का धन्यवाद है। अमृत संचार बिकरसफील्ड विच होना है 18 सितंबर नू, 18 का है जी, पहला 17 का सी, हुण 18 का हो गया, ऐतवार को जिहड़े मेरे वीर भरावां का मन होवे उत्थे पहुँचण। तो एक अमृत संचार सैक्रामेंटो विच भी होएगा 26 तरीक का शाम 5 बजे, लास्ट दवान है सैक्रामेंटो विच, उहदे विच भी अमृत संचार होएगा। सो जिथे भी कितने पता लगे पहुँच के दर्शन देने। तो दवान जिहड़े है जस पंजाबी उत्ते भी चलते, जिहड़े आ चल रहे रात दे घरां च भी तुसी सुन सकते हो, जिथे कि भी अमरीका च प्रोग्राम होणगे। तो साहिब टीवी साढ़े इंटरनेट के उत्ते एक साहिब टीवी की एप्लीकेशन भी लोड कर सकते तुसी ऐप, तो वह जिथे भी कि दुनिया भर च इंडिया च भी होंने दवान लगता लाइव टैलीकास्ट होंदा, इत्थे सवेर हुई होंगी उत्थे रात होंगी है, उत्थे रात है हुण, इत्थे रात है हुण उत्थे सवेर नूं सुणदे ने, वह बड़ा ल फायदा दुनिया च जिथे भी कितने समागम चल रहा हों उहदे असी घरां च बह के भी सुन सकते हैं। सो साहिब टीवी जां परमेशर टीवी, परमेशर टीवी इंटरनेट के उत्ते वो सारे घर च बह के भी जिन्ना क आप समझ सकते हैं लाभ लईए। सारी संगत का धन्यवाद, इतों की प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद है। तो 3 दिन का प्रोग्राम इस गुरद्वारा साहब विच सी, आपां सारिआं ने रल मिल के हाजरियां भरियां हन। सारी प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद, क्योंकि सानू अमरीका विच इतों की कमेटी वालों ही वीजा लवा के सद्या जाता है। तो मैं इन्हों का धन्यवाद इस करके भी करदा है भी 3 दवान दें तो इन्ने नाल ही खुश ने नहीं, तो जिहड़े वीजा लवाते हैं वो कई बार अड़ी कर लेंगे भी साढ़े 2 हफ्ते ला के जाओ, साढ़े हुण 2 वीकां करो पूरी साढ़े हुण तुसीं, तो मैं चलो वैसे इन्हों भी मेरे सुभा का पता ही है, पर 3 दिन मैं इन्हों भी 3 दिन बहुत ने जी, इन्ने नाल ही खुश हो जाओ भी चलो 3 दिन ही ठीक है। पिछले साल असी 2 दिन का प्रोग्राम पिछले साल भी कर गए सी, उदू पिछले साल भी 3-4 दिन का हाजरी भर गए सी। सो ऐतकी फिर सतगुरु ने मेहर की थी, 2 दिन का समा 3 दिन का बख्शिया, बाकी जो ज्यौदे रहे जे छबीलों ने ना लाई छबील छबील जे ज्यौदे रहे तो फिर भी चलो फिर महाराज ने लिया तो फिर हाजरी आप जी च भरांगे। सतगुरु के चरणों अरदास करिए, तुहाडे प्रेम करके भाई तुहाडियां अरदासा करके अज तुहाडे विच बैठे हाँ, तुहाडियां खुशियां अरदासा संगत दियां कीतियां करके अज। सो महाराज मेहर करन जिवें जिवें अगे हुक्म होया सतगुरु जी का उवें जिवें फिर कदे हाजरी भरांगे। गज के आनंद साहब 15 मिनट तुहाडे वध लै गया, 2 घंटे पूरे हो गए 9:15, पर मैं जिहड़ा वध टाइम लै गया मैं माफ़ी चाहुंदा, क्योंकि कई फिर मजबे इन्होंने किहड़ा हाल बना सी सवेरे काम से भी जाना हूँ। सो माफ़ी मांगदा भाई तुहाडा वध टाइम लै गए थोड़ा जिहा जिहा, गज के आनंद साहिब जी बोलो कोई रस्म ना पाए जी। राम कली मुल्ला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी पाए सतगुरु ने I'm not afraid of the dark.
वाहेगुरु जी की फतेह।